जो अदानी जगह किणुची कंपनसेटरी फॉरेस्ट पाई जगह किणुची पुणी अथरे गंधमार्दन कथा उठुची तो सांसद अछि एवं मोर दलर तो सरकार दिल्ली रे अछि मोर दलर तो सरकार उड़ीसा रे अछि मु केमती जानिबिनी जे सेठी अदानी खणी खुलिबो बोली मोर पूरा दृढ़ विश्वास अछि ए सरकार करिवो नै यदि करिवो मो पाखु भी खबर आसिबो एवं मो पाखु काली यदि खबर आसिबो मु मोहन माझी को मुख्यमंत्री सब बसिकी एटा करिबा नै बिल्कुल एटा हेबो नै गंधमार्दन पहाड़ यदि आपन कथा न सुनिबे मो एमपी अछि मु एमपी पई मु बड़ो होय मो ते लागु नै किंतु गंधमार्दन प्रति काल कौन विपत्ति हे मो सांसद थी मोपाई लगे सांसद पद मोपाई छोट हो गंधमार्दन मोपाई बड़ बीजेपी सरकार आसवा पर बर्तमान से रेल लाइन नौ एपंट उद्देश्य हो गंधमार्दन को कंपनी हाथ को टेकदेवे जिते रेलवे लाइन मंजूर होने तो चिल्लुले रेलवे लाइन कुआडे गला तुम रेलवे लाइन मंजूर है देख लो रास्ता कौन कौन कहे तो विरोध कर आंदोलन करते जेबी पटनायक मुझे धन्यवाद देवी जे से लास्ट से एग्री कले कहे जदि जनमत चाहूना से कौन प्रोजेक्ट हाँपी आ जनमत जेहे विरोध रही है बालको प्रोजेक्ट को विड्र कर डेवलपमेंट हम प्लांट तुम नेता मान सब आलोचना कर अच्छा आपण को सेठ गोटे कथा कहले बा गोटे कथा कहले सेठु पुणी कोन जे सेठु से आम लोक तापर ठिया ही कहि बसिले बोले आ गंधमार्दन पहाड़ आ खड़ी खुली देबो नी ये करबो नी बिजो तापर कहले ठीक अछि हला जाओ ए गंधमार्दन पहाड़ कोटो को जोगी धरि के बसि था कोन हबो झारसुगुड़ा को कहा जाउ छि माने पाउसो गुड़ा बोली बीजेडी समरे से पूरा सब कंपनी मानकर से तांको दलर नेता माने ठीक नै मन इच्छा आसानी की पकड़े एसपी के कहे नहीं कलेक्टर कह लोक प्रतिवाद कले माड़ खेबे मन इच्छा आस पकाउ लोकंर रैती जमी उपर पक रैती जमी वाला कही पारे जदि किसी कहला झगड़ा हम ताको बांधिक पुलिस पठे नवदास कर हाँ दलर सरकार कौन नहीं बहुत समय कंपनी मैंने निजर फायदापी पॉलिटिकल लोक मोटिवेट करके पैसा दे कि मैनेज कर दिखती तो आपण को सरकार को के आपण मान को सेमती मैनेज कर देबे कोनोसी कंपनी वेदांत हो जिंदल हो जहा जहा कंपनी से मान को दयारु आमे सांसद होइनो एमएलए होइनो आम सरकार आसीने लोकन को आशीर्वाद आइसी एमएलए हेबा को बहुत इच्छा करथिले किंतु दल आपण को एमपी कर देला आपण को निजे बाधिला ना भल लागिला जे एमपी हो सुओ मोरे पतर बोलिया सुओ जेमती रे सुओरे जेमती पतर भासी भासी जाय से सुओ जोडे पतर को नेला फ्यूचर आपण से एमपी के रहिबो ना पदमपुर को पुनी फेरियो राजन देखो तो सुओ जोडे पुडी नेबो अच्छा मु सो मोरे भासुची सो जदि पुनी एमएलए सेडे नेबो सेडे जीवो वर्तमान बीजेडी रो फ्यूचर कोन दुखछन होमगार्ड पुलिस होमगार्ड ठुने की सेक्रेटरी पर्यंत समस्त बीजेडी रो सदस्य थी सी माने ही संगठन करथु सी माने ही टिकट बांटथु सी माने ही गागारे लोकन को भितरे तयारी करके एसएसजी ग्रुप कोन हेबो से पुलिस करथु एवं एबे तांको हाथ रे से क्षमता नाही सरकार बदली छि किंतु बाबू माने बदली नाहन धीरे धीरे से माने बुझी गले जे पांड्यान एठी नाही सरकार बीजेपी हाथ में अच्छी सरकार को बीजेपी नियंत्रण कर धीरे धीरे बाबू माने बुझी गले जे सरकार अधीन आपको काम कर नवीन सरकार जिला कर पारे मोहन सरकार जिला कर देबे आम कहीं करू जिला आम तो प्रतिश्रुति नाला ओडावासी आम तो कही नु आमको भोट दिए आम जिला कर नवीन बाबू कही पद्मपुर। नमस्कार मुझे स्वाधीन आपण को स्वागत करम स्वतंत्र साक्षात्कार को साक्षात्कार अतिथि अच्छा बरगड़ सांसद प्रदीप पुरोहित आज स्वागत करम कार्यक्रम को गंधमार्दन आंदोलन रु आपणकर जन्म वर्तमान गंधमार्दन संकट में अच्छी कहुची एवं अपोजिशन पार्टी कहते अदानी गंधमार्दन को नहीं जाऊँगी आप जानते सारा ओडिशार लोक भी जानते गोटे समय गंधमार्दन संकटे थी संकटे थी जे गंधमार्दन पहाड़ रे बक्साइट उत्तोलन करने तत्कालीन ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार 47 वर्ष गोटे खणिपट्टा दे भारत आलुमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको को एवं बालको से माइनिंग करता 1983 मसीह जेबी पटनायक मुख्यमंत्री थिले एनकेपी साल्वे खणी मंत्री थिले से समय ताकू उद्घाटन कले पाइक मालते 83 रु 85 दुई वर्ष भितरे बालकोर टाउनशिप भी हला रोड रास्ता तैयारी कले हिलटॉप को जीवा पई रास्ता भी तैयारी हला रूपे तैयारी हला एवं लखना नुआपड़ा जिला लखना रु मनभंग डैम जो बक्साइट पहाड़ ऊपर आसवे और पहाड़ जो बक्साइट हो रेलवे लाइन भी कार्य गोटे प्रक्रिया स्टार्ट होगा
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଇନିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଯେ ବାଲ୍କୋ କ'ଣ କାହିଁକି ମାଇନିଂ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟିଲା ସେଇଠି ଡୋଜର ଡିନାମାଇଟ୍ ମାଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଫଟେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠି ଘରର ଯେଉଁମାନେ ବାରିଆଡ଼େ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଆପଣ ମାଖନ କହନ୍ତି ଆମ ସିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ମାଖନ ପଡ଼ି ବସିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଛାତରୁ। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଗଛ କଟିଲା ସାମ୍ନା ଦେଖି ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲ୍କୋ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ଖଣି ଖୋଲିବ। ଏବଂ ଯଦି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଖଣି ଖୋଲା ହେବ, ମାଇନିଂ ହେବ, ତାହେଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା 97 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିକି ଲମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ନୃସିଂହନାଥରୁ ହରିଶଙ୍କର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଟା ହରିଶଙ୍କର, ଇଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ନୃସିଂହନାଥ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସିଆଡ଼େ ବର୍ଡର୍ ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣାଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି 97 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିକି। ଆଉ 50,000 ଜନଜାତି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ହଜାର ବରଷ ତକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, 22ଟା ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା ଅଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 250ରୁ 300 ଯେଉଁ ଝରଣା ମାନେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହାରୁଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ବୋଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ, 2000 ପ୍ରକାର ସେଠି ବନୌଷଧି ଅଛି, ମେଡିସିନାଲ ସ୍ପେସିସ୍, ଏବଂ 256ଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରେୟାର ମେଡିସିନାଲ ସ୍ପେସିସ୍। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ନୃସିଂହନାଥ ହରିଶଙ୍କର ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ଏକଦା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ ଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟାଉନସିପ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ପାଇକମାଲରେ, ପାଇକମାଲରେ ହଁ, ଆଉ ମାନେ ଟାଉନସିପ୍ ତିଆରି ବି ହେଇଥିଲାଣି, ବାଲ୍କୋର ବାଲ୍କୋର ଟାଉନସିପ୍ ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲାଣି। ତ ଏଭଳି ଏକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଖଣି ଖରଣ ଏହା ବିକାଶ ନୁହଁ ବିନାଶ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ମୁଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ବୟସରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଆଇସି ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲି, IT4 ଆଇସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ପାଇକମାଲକୁ ଫେରିଲି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 84 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲାଣି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଠକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଫେରିଲିନି, ମୁଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲି, ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲିନି ବି, ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ବି ସାମିଲ ହେଲି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲୁ, ସଂଗଠନ କଲୁ, ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇଲୁ। ଶେଷରେ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବି ଆସିଲେ, ସରକାର କହିଲା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା ନାହିଁ ମାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ହାଉସ କମିଟି ସେ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ କମିଟି ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାଧାମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜେପି ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ? ଜେପି ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କରାଇଥିଲେ, ବାଲ୍କୋରେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସରକାର କରାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସରକାର ଅନୁମତି ବି ଦେଇଥିଲା 47 ଇୟର୍ସର। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ଜେପି ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣୁନଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେ ତ ଲିଜ୍ ପାଇସାରିଥିଲେଣି, ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସରକାର ଅଲରେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଜେପି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଏଗ୍ରି କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଜନମତ ଚାହୁଁନି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜନମତ ଯେହେତୁ ବିରୋଧରେ ଅଛି, ଆମେ ବାଲ୍କୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ର କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ 88 ମସିହାରେ ବାଲ୍କୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ର କଲେ, ସେଠୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ବି ଲେଖିଲେ, ଏବଂ 99 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ନକୁଳ ନାୟକ ଫୁଲବାଣୀର ଏମ୍ପି ଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ପ୍ରଥମ ଆବାହକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଗଠନଟା କଳାହାଣ୍ଡିର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ଟେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଇସ୍ୟୁରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, କହିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପଠେଇଛି ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା କଥା, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେ ସମୟରେ ଲିଜ୍ ବି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଠେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ବି କଲା, ମୋଟାମୋଟି ଲିଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ଜିତ୍ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ 3ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭିଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କେରଳରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତବର୍ଷର 3ଟା ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଲୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି? 90ରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା,
एवं विजु बाबू मुख्यमंत्री हेले जनता दल सरकार हेला विजु बाबू नब्बे शेष आड़ को बोध एकानबे एकानबे दिल्ली में बालकोर से समय जे सी एम डी थे जोड़े पंजाबी लोक थे कौन सिंह ना थी मुझे ओडिशा सरकार एग्रीमेंट है अच्छा। से एग्रीमेंट रे उल्लेख करागला जे विगत दिन जो कांग्रेस सरकार थी गंधमार्दन में माइनिंग लीज दे किंतु ओडिशा सरकार अभी जो नुआ एग्रीमेंट कले से माइनिंग कर लीज दिहला से 5000 कोटी गोटे आलुमिना प्लांट से दस हजार लोक नियुक्ति देव एभली गोटे एग्रीमेंट से विजु बाबू एग्रीमेंट कले एवं बालको पुणी संवाद पत्र सब प्रचार आरंभ हो गला जे ओडिशा सरकार एग्रीमेंट कर देले एवं बालको अधिकारी माने भी सेठी को आसीबा आरंभ कले से संदेश जेते बेले आसीला से समय गंधमार्दन सुरक्षा जो परिषद जे आवाहक थिले विश्वदेव पटेल आम चिठी लिखिलु विजु बाबू पाक जे कहिलु जे आम नहीं जिते बारे एग्रीमेंट कलापर आड़ चिठी आसा आम पाक गंधमार्दन सुरक्षा परिषद से लिखिले जे तुम भितर चार पांच जन सदस्य गंधमार्दन प्रसंग में आलोचना करने आसतु तार उत्तर आम लिखिलु जे आम चार पांच जन जीवने आम एठ कार्यकर्ता मैंने जीव ए अंचल आम शताधिक लोक सैकल मारिक मार्च तारीख भी आम कह मार्च दुई में बाहर छू नरसिंहनाथ रु मार्च आठ तारीख दिन आम भुवनेश्वर पहुंचू एवं आठ तारीख आमको समय देवे आमको सह आलोचना करिबो चिठी हो गला संवाद पत्र भी बाहर एवं विजु बाबू पाखु आम सैकल गलु जीवा आसवर पंद्रह दिन से समय लगी विजु बाबू से समय पुलिस जो सैकल जात्री मानक तो पुलिस अटकल मास्टर कैंटीन विधानसभा भी चलू था से भितर एसपी आसिकी कहे संजीव मारिक से समय एसपी से कहले विजु बाबू आपको अपेक्षा करजन चलत आलोचना करेंगे आम पांचज मुझे से कमिटी विष्णुदेव पटेल जी आवाहक थे निरंजन प्रधान लिंगराज प्रधान अलेख पात्र जन स्वाधीनता संग्रामी पांच जन को पुलिस गाड़ी में आमको डेकिने गले विजु बाबू चेम्बर में बसी विधानसभा पाखे प्यारीमोहन महापात्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी बस विजु बाबू आमको देखिकी पहला चित्कार कले अच्छा कहले तुम कौटि अच्छे समय पर्यंत मुझ तुमको गोटाए घंटा हेल्ला ये जोगीछे और तुम कौटी थे पर्यटन आम सैकल मारिक आसो सैकल मारिक आस तो गोटे दिन में 500 किलोमीटर सैकल मारिक जो थी आम मुढ़ी खाई जाऊ थी और तुम एत डेरी कौन कर ठीक अच्छे बस बसिल से आलोचना होता है प्रथम आलोचना आरंभ करने मत आम कमिटी तरफ मत दायित्व दिया विजु बाबू मुझे आरंभ कली मुझे आपे जो समय विरोधी दल रेता थे नबे आगुरी 88 87 86 जो बुले पद्मपुर भी आप जाते से समय गंधमार्दन आंदोलन 87 88 पिक पीरियड चली से पद्मपुर सभा कहीकि आसिले जदि आगामी दिन में आम दल सरकार ओडिशा हे बोले बालको कंपनी को आम दल सरकार कबर देव किंतु आज दुर्भाग्य विषय आप सरकार भी आसला कितु आप कबर न देखिए बालको जो कबर आम पोती कबर में पुणी आपको कबर रू बाहर करदे पुणी एग्रीमेंट करदे बालको हे विजु बाबू टे विरक्ति कह कही ना किए कहला मुत तो कही ना एम कथा से अलेख पात्र जी स्वाधीनता संग्रामी थे विजु बाबू सह एमरजेन्सी पीरियड से चौदवार जेल में एका साथ से ढा हो कहले आज मुझे कहे ना मुझे स्वाधीनता संग्रामी आम एका साथ जेल रहा हाँ आप मुँह भी से सभा थी आप कहीकि आई थे हाँ है कौन है कौन है कहीदेली कौन चाहिए आपर बुझे आरंभ कर देख से दस हजार पिला युवक चाकरी पाइबे मुरुड़ी अंचलटा से नरसिंहनाथ हरिशंकर मंदिर किसी क्षति हम ना परेश क्षति हम ना नुआ डिजाइन से कम कर एग्रीमेंट कांग्रेस वाला कौन कले कांग्रेस वाला खाली खड़े खोलुले मोर सरकार तो कारखाना कर दस हजार युवक चाकरी पाइबे आमे तांको विरोध कलु कहल ना हम ना से खणी नरसिंहनाथ अच्छी मंदिर अच्छी झरणा अच्छी आदिवासी जनजाति परिवार क्षतिग्रस्त हे से आलोचना चलना विरोध थी किए रिक्स नब यार किए दायित्व नब से ठीक अच्छे तुम्हें जिद्दी करें मुझ बंद करदे कि गोटे कथा जदि कल मत से अंचल लोक आसिक पचारे गोटे डेवलपमेंट कम है विकास हो ना बोली मुझ तुम पाक पठेबी एवं तुम्हें जो विभ्रांत कर लोक गंधमार्दन पहाड़ ध्वंस हो बोलिक गोटे विभ्रांत कर प्रोजेक्ट कोट कर लोके तुमको से बाड़े एवं लोके तुमको बाड़े तुम बुझ शेषर आम कहीकिसलु आम माड़ खाइबा प्रस्तुत लोके आमको बाड़ू कि गंधमार्दन पहाड़ में कौन हिसाब से खणी खुली आम देवुना ठीक अच्छे जाओ मुझे कहली आज आम तो कहीदे से कह ठीक अच्छे मुझे बंद करदेली प्रोजेक्ट हे ना प्रोजेक्ट बंद हाँ मुझे कहली आज आपको पाँच जन को कहले
आमर आउ 150 पिला असंती बाहर मास्टर कैंडिडेट पुलिस अटकेछ कोठी असंती पुलिस अटके रखीछे आपण ठीक ताको सामने रे कहंतु डाको पिला को डाको से तब बोले मिस्टर मालिक बोलो से पिला को डाकियो ये बोले पिला माने चली के सब साइकिल सेट रखिले पुलिस जोगिले पिला ने चली के विधानसभा को आसीले बिजो साथी आमे बाहर ठियालु किसी समय पिला ने आसीले गोपबंधु मूर्ति सामने गोटे चौकी पका है बिजो सेठी बसिले आम सामने सब पिला बसिले अच्छा पुलिस आरंभ करें जे मु देख मु 10,000 पिला चाकरी पाइबे 5,000 कोटी कारखाना बसौछि सेठी डेवलपमेंट हबो माने बिजो चंद्र जेमथि भी हे जाउ पाको डेवलपमेंट हबो प्लांट हे जाउ तमो नेता मानक सब आलोचना करिसि एबे बोले आमो बुढ हला जे ये कोन कहलानी बिजो पुनी कोन उल्टिया कहलानी अच्छा आपण को सेठी कोटा कथा कहले बा गोटे कथा कहले सेठू पुनी कोन छि सेठू से आमो लोक तापर ठिया हि कहि बसिले बोले आगे गंधमार्दन पहाड़ आमे खड़ी खुली देबो नि ये करबो नि बिजो तापर कहले ठीक ठीक अछि हला जाओ ए गंधमार्दन पहाड़ कोटो को जोगी धरि के बसी था कोन हबो अच्छा आ तुम नेता को स कथा हले नि हबो नै से प्रोजेक्ट बंद कर देले मु हां आबो त एग्रीमेंट कैंसिल कर देली जा अच्छा तो से समय गोटे बड़ घटना बड़ घटना बोले गोटे ये घटना रोचक घटना घटला जिते विजु बाबू बालको कंपनी को बंद कर दिल तुम्हें जाओ बोली कही देले एग्रीमेंट कैंसल हो गला बोली से समय आम लोक इमोशनाली लंबा समय सैकल माड़ी आसती गोटे इश्यू नहीं कि आसती जिते जीतिले मैं जीत हो गला विजु पट्टनायक जिंदाबाद स्लोगान किसी लोक दे तो स्लोगान चलने समस्त दे मिसिकी सेठ बाहर की सैकल आसलू आम रात रही ओडिशा कृषक समाज से जगह रखाई पूरी से समय कौन है हटात जो विजु पट्टनायक जिंदाबाद बोल देले से समय समाज प्रथम बाहर आ गोटे दुटा न्यूज पेपर से बाहर जे विजु बाबू जो कथा कही कथा बाहर नहीं बाहर जो बलांगीर खपराखोल पदमपुर अंचल गंधमार्दन जुव परिषद शताधिक लोक विजु बाबू भिड़े आई विजु बाबू जिते बेले कहले से 5,000 कोटी टंकार गोटे कारखाना बस 10,000 चाकरी पाइबे नरसिंहनाथ हरिशंकर मंदिर क्षति हेबो नै सेठू समस्ते खुशी हिकी ताली पिटिले और विजु पट्टनायक जिंदाबाद बोली कहीकि गले आमे देखिकी आश्चर्य हो गल तो हो नाई पुणी तापर मीडिया को आम डाकिलु आर जन मीडिया कहल बंद आम तो कहीकि विजु पट्टनायक निजे घोषणा कले हेबन बोलिकी और जब कैंसल कौन से हिसाब से गंधमार्दन खड़ी खोल विजु बाबू सरकार तीव्र विरोध हे आम संकल्प करके फेर किंतु धन्यवाद विजु बाबू भी बंद कले आगे बढ़े ना अच्छा परवर्ती 2004 पुणी अथरे 2004 नवीन बाबू सरकार थी नवीन बाबू सरकार कौन कले अजित त्रिपाठी चीफ सेक्रेटरी चार ये अजित त्रिपाठी और नाल्को सीएमडी एम गोटे एरियल सर्वे करने को गले पूरा योजना कले नाल्को को आम देवा गंधमार्दन को नाल्को किंबा से समय तो बाल्को नाला वेदांत नहीं तो नाल्को किंबा वेदांत सह गोटे भितर चलता नाल्को जो नेशनलाइज कंपनी तो से एरियल सर्वे कले खपराखोल टंकपा गोटे जगह अच्छी बलांगीर जिले में टंकपाणी से हेलिकप्टर उल्लैले सेठी कलेक्टर तहसिलदार आर आई समस्त को डकराइला आठ से 2,000 एकड़ जमी आगुरी रेडी करते अच्छा। चिन्हट करागला सरकारी जगह 2,000 एकड़ अच्छी आउ 2,000 एकड़ लोकंकर जमी 4,000 एकड़ जमी से किणा हे 2,000 सरकार देव 2,000 एकड़ लोकंकर जमी किणा हे यही प्लट्रे आलुमिना प्लांट बस आटा ए सैड्रु रास्ता जो थी नरसिंहनाथ देकी पहाड़ को चढ़ूते कि हरिशंकर देकी परवर्त समय चढ़ूते से निष्पत्ति है सियाड़े आ गाड़ी मटर जीव ना कहीं लोके देखिए विरोध हे पछाड़ गंधमार्दन पहाड़ को गाड़ी मटर जीव कि प्रतिवाद लोके करें तो आम पाखे खबर आसला एरियल सर्वे है ये है बोलिक टंकपा आर से वर्ष आम जा एप्रिल एक कला दिवस पालन कलु जो एरियल सर्वे करते सेंचर आदिवासी लोक समस्त से तो आप सरकार मिसिकी क्वालिशन करते हाँ क्वालिशन थे भी गंधमार्दन तो आम फाइट करते कंप्रोमाइज कर सरकार सब कह गंधमार्दन आम छाड़बू ना तार कलापर तार गलु नवीन निवास को नरसिंहनाथ नवीन निवास जात्रा कलु नवीन निवास को आम एप्रिल कला दिवस है मे मस गलु नवीन निवास 4,000 लोक आम बाहर आ समे ट्रेन रे डब्ल्यू टी से समय ट्रेन रे आम समस्त बैच फैच लगे गंधमार्दन सुरक्षा गलु संबलपुर आरपीएफ पुलिस सह झगड़ा हो गला रिजर्व सीट को भाई गले पे लाठीमाड़ हेलाम से समय मत भी 8-10 लाठीमाड़ होता बहुत लोक घायल हो गले परवर्त समय से माफी भी मांगिले आ सकाले पुणी स्वतंत्र ट्रेन रे बगी जोड़ी आमको पठेले नवीन निवास को पहुंची धनु तीर गोटे उपहार भी देखो नवीन बाबू को सेठी कहीकि गंधमार्दन पहाड़ को आप छुए नहीं
गंधमार्दन पहाड़ में यहाँ विकास नुह एटा विनाश कहीं बोले आप 10,000 लोक सीना चाकरी देवे कि 50,000 जनजाति परिवार लोक से जीवन और जीविका हजार वर्ष पर्यटन रोज थे गंधमार्दन प्राकृतिक परिवेश ध्वंस है से क्षमता ना आम पाखे कि दुनिया क्या पाखे जो आउट गोटे गंधमार्दन तैयारी तो तापरे भितरे चली था किंतु अग्रसर हेलानी से सरकार भी बंद हो गला से सरकार भी बंद हो गला एबे 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 पुनी जो आदानी जागा किणुची कंपनसेटरी फॉरेस्ट पई जागा किणुची पुनी अत्र गंधमार्दन कथा उठुची देखो तो गंधमार्दन कथा जो जो समय गंधमार्दन प्रसंग उठी ता विरुद्ध आंदोलन होई आज भी मु कहि दउची गंधमार्दन चारिआड़े गंधमार्दन को सुरक्षा देवाई लोके संकल्प नहीं सारी आम समस्त संकल्प नहीं सारी जो गंधमार्दन पहाड़ को कौन जगह खड़ी कूड़े देवना एवं जो समय आक्रमण ताको आम विरोध करो कथ उठी यहाँ गोटे राजनीतिक प्रसंग कर अच्छा। मु तो सांसद अच्छी मोर दल तो सरकार दिल्ली में अच्छी मोर दल तो सरकार ओडिशा अच्छी मुझे जानवी से आदानी खणी खुल सांसद थी समय सांसद तो नी मोर परिचय भी नाला से आंदोलन रही प्रदीप पुरोहित परिचय है गोटे नेता हिसाब से कि गोटे लोक नेतृत्व नवा विषय परवर्त समय एमएलए एमपी हेली एवं मुझे सांसद अच्छी मो दल सरकार दिल्ली में अच्छी मो दल सरकार ओडिशा अच्छी मोर तो पूरा विश्वास अच्छे जदि आम दल सरकार भी सीटी आदानी को देखिए खणी खोल प्रयास कर मोर विश्वास अच्छी देशर प्रधानमंत्री मोदी जी हूँ केन्द्र सरकार हूँ ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी हूँ बीजेपी सरकार हूँ ए सरकार को बुझेवाई जे गंधमार्दन पहाड़े दुईटा आम विरोधी सरकार को आम बुझे पार्ल से सरकार मैंने बुझीगले कले आम सरकार अच्छी मो सांसद अच्छी मोर पूरा दृढ़ विश्वास अच्छी ए सरकार करी कर मो पाक भी खबर आसव मो पाक कल खबर आस मोहन माझी मुख्यमंत्री सह बस एटा करना बिलकुल गंधमार्दन पहाड़ कथ न शुणी मोर तो विश्वास अच्छी शुणी मोर संपूर्ण विश्वास अच्छी शुणी आज जो कथ कहते गोटे राजनीति किसू चली अच्छा ये राजनीति दूसरी एवं आप देखिए लोकसभा अधिवेशन में हो हल्ला चली आदानी आदानी बोली चित्कार चली जेहेतु आदानी गोटे इश्यू करुँच मोदी आदानी अच्छी मोदी सांग आदानी कांग्रेस वाला पाखे इश्यू किसी ना लंबा समय धरिकी आदानी को जोड़ी मैंने देश राजनीति करेतु आदानी कंपानी वाला जमी किड़ी नहीं गला जेहेतु प्राइवेट सरकार तो दाई ना से प्राइवेट लोक गोटे भी किणी नहीं पार आदानी हो कि आउ बिके हो से सरकार जीवार आसवर किसी ना प्राइवेट जमी प्राइवेट लोक बिकला पैसा पाला द्वितीय कथा से कहते हैं जो सुंदरगढ़ में खणी अच्छी बदला कंपनसेटरी फॉरेस्ट फॉरेस्ट करेंगे जंगल विभाग को देवे किंतु एटा से जानते माइनिंग लीज दे ना गंधमार्दन पहाड़ खणी लीज रसंग उठूनी प्रश्न उठूनी से आदानी तार अन्य इश्यू से जमी किणी कि आदानी नाटा आसगला ये एमाने लोक को भड़काइवाई पुणी गोटे इश्यू करने तो आदानी चली दिल्ली में तो से आदानी और ए आदानी को जोड़ी जे लोक विश्वास करेंगे हाँ कहीं बार बार बीजेडी उठाऊँगी बीजेडी तो उठाऊँगी एठी बीजेडी नेतृत्व नौ जिते ये छोट मोट आंदोलन चली था मझे कांग्रेस इशारा उठाऊँ ना कांग्रेस भी अच्छी से कांग्रेस और बीजेडी जेहेतु एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे होगला दिल्ली में कांग्रेस प्रत्यावर्तन कर आशा ताकू देखा जाऊना ओडिशा रे हला बीजेडी एथि असंतोष हो अच्छी से कांग्रेस असंतोष होगी अच्छी तो दुई जन शत्रु बीजेपी अच्छा तो दुई जन से गंधमार्दन मित्रता करते किसी गोटे इश्यूटा करदे सरकार को बदनाम करदे कि कौन सी हिसाब से मुझे तो ग्यारंटी देखिए कहूँ आरंभ रु से कथा कहते आज भी आप कैमेरा सामने रे लोक को कहवाक चाहूँगी पदवी ठू गंधमार्दन मोपी बड़ मो एमपी अच्छी एमपी मु बड़ मोदी लगुना किंतु गंधमार्दन प्रति कल कौन विपत्ति हे मो सांसद थी मोपाई लगे सांसद पद मोपाई छोट हो गंधमार्दन मोपाई बड़ हो अच्छा वर्षा सिंह बरिया गोटे स्टेटमेंट थी से कहते जे बीजेपी सरकार आसवा पर बर्तमान से रेल लाइन नौ एप नौ उद्देश्य हो गंधमार्दन को कंपनी हाथ को टेकदे देखो 2022 पदमपुर उपनिर्वाचन है उपनिर्वाचन नवीन पटनायक जाइए कहीकि आसिले प्रार्थी को भोट दे पदमपुर सब डिजन गोटे स्वतंत्र जिला हे एवं लोके भोट दे मुझे तो प्रार्थी थी बीजेपी 42,000 भोट रु अधिकार से जीति परवर्त समय जाणी शुणी सरकार को देखला जे गोटे जिला कले तो विभिन्न जगह विद्रोह जाणी शुणी के हाईकोर्ट में मामला से फसई दे कहले हाईकोर्ट में मामला फसे जिला कले नहीं पद्मपुरवासी को धोखा दे प्रतारणा कले पुणी निर्वाचन है 2024
निर्वाचन जिला कर सत्वे भी बीजेडी को भोट दे लोके आम प्रार्थी जे ठिया होता से हारा जदि सांसद हिसाब से अधिका भोट पाइली कितने से हारा जिते बेले 24 इलेक्शन ये निर्वाचन परे परे 22 आगर गोटे प्रचार आरंभ है 24 किसी प्रचार आरंभ है तुम जिला कड़े गला बीजेडी को लोके प्रश्न कले आम लोक भी कले बीजेपी लोक भी कले कांग्रेस लोक भी कले साधारण लोक तुम जिला कड़े कल आई भोट पाई आसीच भोट रे जीतिले 24 रे से माने बीजेडी वाला गोटे प्रचार आरंभ कले से एमएलए फेमएलए समस्त मिसिक प्रेस कन्फरेन्स नारे जिते बेले आपन जो रेलवे बजेट एथर आसला एवं 6टा नुआ रेलवे प्रकल्प पारित होगा 10,000 कोटी टंका ओडिशा पाइला रेलवे बजेट किंतु बरगड़ नुआपड़ा रेलवे लाइन नुआ बजेट सामिल हला नाही नुआ रेल लाइन स्वीकृति पाइला नाही जो दिन रेलवे बजेट पास हला एवं 6टा नुआ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट ओडिशा रे पास हला ओएसपुरी वैष्णव प्रेस कन्फरेन्स कहले सब एमपी मैंने बसी थे तार गोटे दिन पर बीजेडी प्रेस कन्फरेन्स कला एवं सेमाने कहले बीजेडी नेता मैंने कुआडे गला तुम रेलवे लाइन तुम तो गला इलेक्शन में कहीकि अश्विनी वैष्णव मंत्री कहीकि गले रेलवे लाइन आम करू जमी पाइला तुम रेलवे लाइन कुआडे गला 6-6टा नुआ रेलवे लाइन पास है तुम रेलवे लाइन है ना एवं मुझे प्रयास कली मो मन भी कष्ट होता है नुआ 6टा रेलवे लाइन हम बरगड़ नुआपड़ा रेलवे लाइन 6टा 5टा पीढ़ीर गोटे आशा थी अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री निजे कहीकि जाइए जो दिन जमी पाइबू आर दिन रेलवे लाइन करूँ मुझे रेलवे मंत्री को भेटिक मोर क्रोध भी कोह भी जड़ाइली ठीक है ना पुणी धन्यवाद अश्विनी वैष्णव को देशर यशस्वी प्रधानमंत्री स्पेशल प्रोजेक्ट हिसाब से पारित कले पुणी थे पैसा आसला तापर से जिते रेलवे लाइन मंजूर हो नाला तो से चिल्ल थे रेलवे लाइन कुआडे गला तुम रेलवे लाइन मंजूर है देख लो रास्ता कौन कौन कहे तो विरोध कर हिसाब से रेलवे लाइन ये जो रेलवे लाइन है गंधमार्दन खणी खनन ये रेलवे लाइन होती गंधमार्दन खणी खनन जो रेलवे लाइन होता आपंकर 85-86 मसीह जोटा नुआपड़ार जिलार लखनऊ मनभंग सेटा गंधमार्दन खणी होता गंधमार्दन विनाश पर होता से रेलवे लाइन को तो आम बंद करदेलु ये रेलवे लाइन टा गंधमार्दन विनाश पर होना बहुत दिन लोकंर दाबी थी जेठी गोटे रेलवे लाइन हो बहुत आंदोलन से आंदोलनकारी पाखे भी समस्त माइनिंग सहित आर किसी लिंक ना माइनिंग सह ए रेलवे लाइन रो कौनसी संपर्क ना एटा से अंचल विकास हे सामग्रिक विकास हे आम जहाँ कहे गोटे अंचल को रेलवे लाइन नगले ना व्यवसाय ना वाणिज्य ना कल्चरल कौन प्रकार डेवलपमेंट हे ना आ सब आड़े रेलवे लाइन हे आम ए कहीं हम ना गंधमार्दन पहाड़ दे कि ना यहाँ गंधमार्दन पहाड़ दे कि ना यहाँ आप जो रूट अच्छी निश्चित रूप पहाड़ तो से पाखे अच्छे आपड़ तो पहाड़ ठू 8-10-15 किलोमीटर भितर से जीव से रास्त से रास्त ही जीव से ही रास्ता विजु एक्सप्रेस वे से पाखे जा रोड रास्ता ट्रेन रेलवे लाइन तो से ही रास्ता हम अच्छा नहीं यो जिला कथा आप कहले नवीन सरकार जिला कर पारे मोहन सरकार जिला करदे आम कहीं करूँ जिला आम तो प्रतिश्रुति ना ओडावासी आम तो कही नु आमको भोट दिए आम जिला करूँ नवीन बाबू कही पद्मपुर लोक आशा भरसा कर भोट भी दे जिला कले से भौगोलिक दृष्टिकोण देखते पद्मपुर गोटे जगार रही नहीं मुझे कथा कह आम प्रतिश्रुति दे नु आम दल सरकार अच्छी नुआ जिलार जदि कथा आसब कमिटी गठन हो नुआ जिला कौ जगार हेबी एवं जदि 5 वर्ष भितर आउ किसी नुआ जिला हेबो मु जानी नहीं सरकार सो आलोचना भी होइने होई पारे आउ किसी जिला बढ़ी पारे जदि बढ़ी निश्चित रूप पद्मपुर सब डिविजन टा प्रथम हिसाब से जिलार मान्यता पाइबो अच्छा निश्चित रूप ए किस दिन तले आपण भूपेंद्र यादव सहित मते भेटी थिले झारसुगुड़ा को कह जा माने पाउसगुड़ा बोली पाउस एत आस गुड़ा मैं एत आस अच्छी अच्छी जहाँकि परेश दूषित कर तो झारसुगुड़ा आपण निर्वाचन क्षेत्र में झारसुगुड़ा आसुच्छे देखो से वेदांत तो अच्छी बाहर बहुत इंडस्ट्री अच्छे पल्यूशन पल्यूशन भीषण आकर से तो आम मुझे सब कौन देखो तो ठीक अच्छे इंडस्ट्री हम विकास हम ठीक अच्छे विकास हम इंडस्ट्री ना विकास हम ना कि मनुष्य जीवन भी तो गुरुत्वपूर्ण मनीष बंचवा भी तो गुरुत्वपूर्ण मनीष को मारिक जो विकास हम से विकास को विकास केमती कह से लोके पस्ताऊँच ये इंडस्ट्री होगा सी आराम से लोके थे पहाड़ पर्वत जंगल झरणा नदी नाला क्षेत खोला करते इंडस्ट्री एत पल्यूशन से आरंभ है विशेष भाव जो आस कथ कहते
आस विगत दिन में बीजेडी सरकार थिला ओडिशारे एवं बीजेडी सरकार आप जानते देहांत हो गला जो पावरफुल मंत्री झारसुगुड़ा थे नवदास कथा कहते हैं हाँ से मंत्री थे एवं बीजेडी समय से पूरा सब कंपानी मानक दल नेता मैंने ठिका नहीं थे मन इच्छा आस आनिक पकड़े एसपी किए कह कलेक्टर कह लोके प्रतिवाद कले माड़ खाइबे मन इच्छा आस पका लोकंर रैती जमी उपर पक रैती जमी वाला कही पारे जदि किसी कहला झगड़ा हे बांधिक पुलिस पठाई दबाव नवदास कर दल सरकार करते कम लगी धीरे धीरे मुझे सांसद थी बहुत जगह मत क्या कहले आम से सुरेश पूजारी एमपी एमएलए मंत्री अच्छा टंकधर त्रिपाठी भी गोटे दुज एम एल ए अच्छा भी बहुत लोग कहले मत भी बहुत लोग कहले हो कलेक्टर एसपी सह कथी एवं मत लगला ए केन्द्र जंगल परिवेश जंगल परिवेश भूपिंदर यादव भेटिक देली सागे सांगे से चिठी भी कले कले ये कर बंद कर लोक जीवन टाइम मूल्यवान एवं तापर आरडीसी स्तरीय मीटिंग तापर कलेक्टर स्तरीय मीटिंग अनेक मीटिंग मीटिंग होई जो आस जो जगह पड़ूला बंद होई एवं एबे मते लागू छी ठीक ढंग से चलो सरकार सचेतन अच्छी नहीं बहुत समय कंपनी माने निजर फायदा पॉलिटिकल लोक मोटिवेट करके पैसा दे कि मैनेज कर दिखती तो आपण सरकार को के आपण मानक मैनेज कर देवे तो ना देखो तो मैनेज तो आप ठीक कहते कंपनी माने चले मैनेज मैनेज करके चलाती समस्त को मैनेज करने चेष्टा करती आई मनुष्य जीवन टू पैसा बड़ हम से लोक मैंने मैनेज हे जी पैसा ही सर्वस्व जी गोटे कंपनी क्या दुई कोटी चार कोटी देखिए भाभी दबाई बड़ हो गला मैनेज हो जाए एवं जो मानक मनुष्य जीवन बड़ राजनीति गोटे आदर्श बड़ से कहीं मैनेज हे समस्ते तो चोर ठंड नुहत मैनेज करदे मोर विश्वास अच्छे आम दल सरकार किंबा सुरेश पूजारी हूँ किंबा एमएलए श्री टंकधर त्रिपाठी हूँ मु सांसद अच्छी कौन सी कंपनी आमको मानक किए मैनेज कर पारे आम लोक अच्छु लोक स्वार्थ आम जगू कहीं भोट देखेंगे आम सांसद आम नेता कौन सी कंपनी वेदांत हो जिंदल हो जहा जहाँ कंपनी से दया आम सांसद होनु एमएलए होनु आम सरकार आसीने लोक आशीर्वाद आई तो आम प्रथम कर्तव्य से लोक कथा कह कौन सी प्रकार ये हम एवं टी चाषी मान कथ आप बहुत दिन धरिकी कृषक सेल रे आपण सरकार 3100 टका घोषणा कला और बरगड़ ही धान किणा आरंभ है ये जाए बहुत जगह मंडी माने अव्यवस्था रही चाषी मैंने धान आणुना मंडी को बरगड़ रे देखो तो विशेष अव्यवस्था तो हुए नहीं मंडी मैंने खोला है चाषी मैंने खुशी अच्छा 3100 टका पाइबे एथर मैंने 800 टका गोटे क्विंटाल पाइबे भावत मैंने 10,000 कोटी टंका मोहन माझी सरकार अधिक चाषी को देव 100 टका केवे स्वप्न भावी थे 100 टका बोनस पाइबू ना बोली कितना 800 नवीन बाबू तो कही थे दे सोहेलारे आम 800 देव आम सरकार देव चाषी खुशी अच्छा धान किणा बिका सिस्टम कि ठीक हे से दिगरे भी रीतिमत आम विभाग मंत्री मैंने कलेक्टर माने अन्य अधिकारी माने रीतिमत बैठक सीरीयसली चलु आपण रिव्यू कर हाँ द्वितीय रिव्यू आम कलु आपण जो एमएलए हेबा को बहुत इच्छा करते कि दल आपण को एमपी करदेला आपण निजे बाधिला ना भल लगला जे एमपी हे ना मुझे खुश अच्छे अच्छा मु सांसद हो कि मु खुश अच्छे कि आप पदमपुर आप निज एरिया जहाँ पर अधिक फोकस करते तो फोकस हो पार ना ना सांसद तो पदमपुर भी मो एरिया आसुची विधायक 7टा विधानसभा भितर पदमपुर गोटे निश्चित रूप पदमपुर भी मोर फोकस रही एवं मु सांसद होइकी खुशी अच्छी मुझे खुशी अच्छी जे पार्टी मोर योग्यता को चिंता कला भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व केन्द्र नेतृत्व मो ऊपर कहीं एमएलए टिकेटा जिते कठिन नुह एमपी टिकेटा कठिन थिला सब जगार कहीं तृतीय थर पर नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हेबे से भारतीय जनता पार्टी एनडीए वाला एमपी भल भल योग्य प्रार्थी खोजिकी सब जगह देवाई सीरीयसली पार्टी लड़ी थी एवं कौ जगार एमएलए 2-4 हारीगले असुविधा नहीं कि एमपी जितब तृतीय थर पर मोदी जी प्रधानमंत्री हे ग्रासरूट व्यापक काम चल कि पदमपुर दल हारी गला पदमपुर आम हारीगलु लोके हरदे कि लोक एवं पस्ताऊँच कहीं हरलु
ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମଏଲଏ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଥିଲି ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ପୁରା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମୁଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲି ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ତୁ ଏମପିରେ ଲଢ଼ିବୁ ମୁଁ ଏମପିରେ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଆମ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବି ନଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜେ ରହିବ ମୁଁ ରହିବି ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭଳିଆ ସୁଅ ଯେମିତି ସୁଅରେ ଯେମିତି ପତର ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ସେ ସୁଅ ଯୁଆଡ଼େ ପତରକୁ ନେଲା ଆମ ଜୀବନଟା ବି ଆମେ ବି ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭାସିଛୁ ଏମପି ବି ଆଣିକି ସେ ସୁଅ ସୁଅ ହିଁ ଆଣିକି ମୋତେ ଏମପି ଜାଗାରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ସେ ଏମପି ହେଇକି ରହିବେ ନା ପଦମପୁରକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଅ ଯୁଆଡ଼େ ପୁଣି ନେବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଭାସୁଛି ସୁଅ ଯଦି ପୁଣି ଏମଏଲଏ ସିଆଡ଼େ ନେବ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ନେବ ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ପ୍ରଦୀପ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋଧେ 2029ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ି ନଥିବ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ନୁହଁ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସରକାରକୁ ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ ପୋଲିସ ହୋମଗାର୍ଡଠୁ ନେଇକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ହେବ ସେ ପୋଲିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପିଅନ୍ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି ଭୋଟରେ ଲଢ଼େଇବା ତ ଦୂର କଥା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆପଣମାନେ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିକି ବାଟ ନାହିଁ ସରକାର ତ ଆମେ ଅଛୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଏ ଯାଏଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ବାବୁମାନେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ତିନି ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏକଥା ବରଗଡ଼ରେ କହିଲି ହଁ ତିନି ମାସ ତଳେ ସେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ମିଟିଂରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୂତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସତେ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ବି ସରକାର ଚଲାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଠି ନାହିଁ ସରକାର ବିଜେପି ହାତରେ ଅଛି ସରକାରକୁ ବିଜେପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବୁମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯାଏଁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କରି ରଖିବା ନମସ୍କାର।